प्रेरणा स्थल में आकर प्रेरणा मिली है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है और ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। इस सोच को मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य मानता हूं। एक जगह महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व है, कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहां देखा है। प्रेरणा स्थल के बारे में सुना, सोचा, पर यह जमीनी हकीकत इस शानदार तरीके से होगा, मैं बहुत प्रभावित हूं। आई कैन टेल यू दिस स्थल इज मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, और जो भी यहां कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित हुए बिना नहीं होगा। अंदाजा लगाइए भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान है, इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि आजादी के कितने बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। मुझे गौरव प्राप्त है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। आज का दिन उसी कड़ी के अंदर प्रेरणादायक भी है, सदा यादगार भी रहेगा। मेरे जीवन का ये वो पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इस तरीके से उन महापुरुषों का आदर कर सकूं। महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी से लेकर लगातार बिरसा मुंडा जी, नाम देखिए एक एक, और चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने मेरा मार्ग राजनीति में प्रशस्त किया, वहां देखकर तो मैं भावुक हो गया। ये पल ऐसे हैं जब देखा हर एक का व्यक्तित्व है, जानकारी थी, पर यहां आकर एक नई ऊर्जा का संचार होता है।